शहीद हुए भारत माँ के कुछ लाल, अंत समय तक बने रहे भारत माता की ढाल। रखकर पत्थर दिल पर अपने, सब रिश्तों के मोह को वो त्यागता है। हंसते हंसते जान वो अपनी, भारत वासियों के नाम लुटाता है। उनकी असाधारण वीरता और निस्वार्थता के लिए भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल है। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना की 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स के आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने अपार बहादुरी का प्रदर्शन द्रास सेक्टर में 0.5140 पर दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी बटालियन का सफल नेतृत्व किया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 1/11 गोरखा राइफल्स से थे। उन्होंने भी इस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। अपने अदम्य साहस के साथ पाक द्वारा कब्जा की गई सीमा चौकियों को अपने कब्जे में लिया। 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा रहे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टाइगर हिल पर भारतीय हमलों का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए असाधारण वीरता दिखाई। राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन के सदस्य थे। उन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई की एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर दोबारा कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो मैं हूं रणवीर के डियर भाई सर। तो आज हमारे साथ है कैप्टन विक्रम बत्रा के बड़े भाई विशाल बत्रा। तो हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपके परिवार की मनोदशा क्या थी जब कारगिल की खबर आई? मुझे याद है मैं जब दिल्ली में था, एज आई वर्क फॉर टाटा फाइनेंस। 1/8 July इन आफ्टरनून एक अननोन कॉल आता है मेरे होम टाउन पालमपुर से। एन आई गॉट दिस न्यूज एन इन पालमपुर। जैसे ये खबर मेरे पेरेंट्स को मिली, माय डैड इमीडिएटली कोलैप्स किया। मेरे और मेरी फैमिली के लिए वो समय सच में बहुत टफ था। वो उनके लेटर्स में क्या क्या मेंशन करते थे बता सकते हैं आप? वी बोथ वर जस्ट इन टच बाय लेटर्स। हम एक दूसरे को रेगुलरली लेटर्स एक्सचेंज करते थे। इवन व्हेन ही वाज इन एकेडमी हम लेटर्स एक्सचेंज करते थे। जब उसकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई तब भी एंड इवन फ्रॉम द कारगिल वॉर। अब उस टाइम कम्युनिकेशन इतना एडवांस था नहीं, तो हमारे मेल सिर्फ लेटर्स थे। मुझे याद है मैं उससे लास्ट टाइम जब मिला विक्रम कमांडो से वापस आया। इट वॉज 9th of March 1999। हमने उस दिन 6 घंटे साथ बिताए थे। क्या विक्रम को ये जुनून बचपन से ही था? ये जुनून विक्रम का बचपन से ही था। मुझे याद है 90s में दूरदर्शन पर एक टीवी शो आया करता परमवीर चक्र, और हमारे घर टीवी नहीं था तो हमारे पड़ोसी के घर टीवी देखने जाया करते। तब से ही विक्रम ने ठान लिया था कि उसे ज़िंदगी में कुछ बनना है तो वो फौजी ही। 21 साल तक सपना देखा था। IMA में 1.5 साल की ट्रेनिंग की थी, तब जाके विक्रम के कंधे में दो स्टार्स लगे थे। कुल 23 साल लग गए उसको अपने सपने को पूरा करने में। And finally, he was in Sopore, starting his journey as a lieutenant in 13 Jammu and Kashmir Rifles.
जयंत सर, लेफ्टिनेंट बिक्रम पत्रा रिपोर्टिंग सर। जयंत, कैप्टन राजीव कपूर, एडजुटेंट ऑफ तेल जम्मू कश्मीर आर्मी। वेलकम टू द फोर्थ ऑफ कटिंग जैकेट लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर। जयंत सर, नायब सुबेदार बंसीलाल साहब। जयंत। सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। फॉर विक्रम दिस वाज इट। इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट, हर बटालियन घुमरी बेस में मौजूद थी। दुश्मन का सामना तो विक्रम पहले भी कर चुका था, लेकिन ये तो कुछ और ही था। दे हैड नो आइडिया हाउ डिफिकल्ट इट वाज गोइंग टू बी। 13 जैक रिफ्ट सिर्फ रिजर्व फोर्स थे। उनका काम था अक्लाइमेटाइज होना और ऑर्डर्स का इंतजार करना। इसका जून से जुलाई तक 2 दिन तक कंटिन्यू लड़ाई चल गई इसमें।
इसमें जो बताया विक्रम मकान का भी जो काफी आईएफएल का जो ट्रेन का बताया उन्होंने, वो काफी उनका मैच बना है सभी हर चीज का। मैं हुई समय 4 साल तक बिता है वहाँ पे। मैं यही चाहता हूँ यहाँ पे काफी अपने बच्चे सब अच्छे हैं, इसमें इनको ट्रेनिंग अच्छी मिलती है। जगन सर है, बाकी काफी बुरहानपुर के स्पोर्ट्समैन है, तो इनको कोशिश करना चाहिए आईएमए के लिए अप्लाई करना चाहिए, इंडियन मिलिट्री की देहरादून आईएमए के लिए। इसका फर्स्ट होता है पूना में, कभी आप अप्लाई करते हो तो उसका भी उन्होंने कॉन्टेक्ट दिया मैंने उनको, और दीजिए मैं इनके बाद हर बच्चा क्या चाहता है, सिर्फ मोबाइल में वेस्ट है आज के समय में। बच्चे के पढ़ाई के बाद जाता है मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चीज़ से थोड़ा बचे और अपना पढ़ाई में ध्यान दें, और पढ़ाई के साथ में अपना स्पोर्ट, मैंने एक मैं स्पोर्ट में हूँ तो स्पोर्ट में भी एक ध्यान देना चाहिए सभी को। जय हिंद। धन्यवाद। सबसे बार पहली बार एक बार मेरे साथ भारत, भारत माता की, अभी भी लगता है तो जोश है अभी आपके अंदर। तो पहली बार मुझे रिटायर हुए 8 साल हो, लेकिन मेरे को ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं अभी दोबारा फॉर्म में भर्ती हुआ हूं। तो ऐसा ही आपके अंदर जोश होना चाहिए। तो इसमें से भी कौन कौन भर्ती होना चाहता है फॉर्म में? अच्छा, मतलब काफी आपके अंदर होश, जोश और होश होना चाहिए। कोई भी लड़ाई हो, मैदान की लड़ाई हो या पढ़ाई की लड़ाई हो, तो इसमें आपका जोश और होश होना चाहिए, जरूरी है। और आपका प्रिंसिपल मैम, बाकी सब टीचर लोग और विद्यार्थियों, उनका सब मैं अभी अभिमान करना चाहता हूँ कि आप लोग हमको यहाँ पे बुला के इतना आदर के साथ सम्मान किया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। Good morning, students and teachers and today's guests. So I would like to congratulations, and I would like to congratulate you for the best performance of class 10th A under the leadership of Mrs. Kavita and all those who supported. So let us give them a big hand. Ready, 1, 2, 3, start. And the performance was really heart-touching, and they have presented it very lively. Okay, and हमारे पास इस जो भी गेस्ट आप हमारे साथ में आज हैं, हम आपके लिए बहुत बहुत बधाई देते हो, क्योंकि you were the to protect our nation. It's a great job. It's a great sacrifice. Away from home to safeguard our nation. A big salute to you, sir, both of you. So once again, congratulations to all of you. Thank you so much, and be happy, be a blessing. God bless you. Thank you.